हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आप मोबाइल से कैसे आप अपने वोटर आईडी कार्ड में चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, फ़ोटो आप बदल सकते हैं इस तरीके से, और अपने आधार अपने वोटर आईडी कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, और अगर आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है या नाम गलत है तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको गूगल में nvsp.in वेबसाइट खोलनी है, इस तरह से आपने ये वेबसाइट खोल लेनी है और यहाँ आप देख सकते हैं लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक कर लेना है। लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपने नीचे आना है और यहाँ आप देख सकते हैं डोंट हैव अकाउंट पर आपने क्लिक कर लेना है इस तरह से यहाँ, और उसके बाद आपने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, मोबाइल नंबर आपने डालना है, उसके बाद कैप्चा और उसके बाद सेंड ओटीपी आपने कर देना है, और उसके बाद इस तरह से आपके डिस्प्ले पे एक ऑप्शन आता है, इसमें आपने ओटीपी डालना है। ओटीपी जब आप डाल देते हैं तो उसके बाद आपने एपिक नंबर डालना है, और अगर आपके पास एपिक नंबर नहीं है तो आपने डोंट हैव एपिक नंबर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने ईमेल डालना है, ईमेल के बाद आपने पासवर्ड अपना बनाना है और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आपने वापस लॉगिन सेक्शन में आना है, और लॉगिन सेक्शन में आपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू आपने उसके बाद लॉगिन कर लेना है। दोस्तों रजिस्टर्ड करने के बाद आपने उसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसके माध्यम से आपने दोबारा लॉगिन कर लेना है जिससे आपने रजिस्टर्ड किया है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपने अपना जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसी से लॉगिन कर लेना है, और वही पासवर्ड आपने देना है। और उसके बाद कैप्चा कोड आपने भर लेना है। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको उसके बाद लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं यह आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप फ्रेश इनरोलमेंट भी कर सकते हैं, यानी फ्रेश वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना आधार जो आपका वोटर आईडी कार्ड है वो मर्ज कर सकते हैं, और इसी तरह से अपनी पर्सनल डिटेल जो है करेक्शन कर सकते हैं, और जो फैमिली है आपकी उनको अपनी फैमिली को अपने इनरोलमेंट में जोड़ सकते हैं। तो हम जो इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम है उससे अपना वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करेंगे, तो हमने उसके बाद इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हमने इनमें से जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें बताया गया है कैसे हम अपना पूरा इसमें जो इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम है उसके हिसाब से हम अपना चेंज कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन प्रोग्राम पे हमने जो सेल्फ वेरिफिकेशन प्रोग्राम है इस पर हमने फर्स्ट वाले पे ही क्लिक कर लेना है। इस तरह से ये क्लिक करने के बाद ये खुलेगा थोड़ी देर में। तो दोस्तों इस तरह से ये खुल गया है, और हमने जैसे कि इसमें पूरी डिटेल अपनी डाली थी तो हमारी वोटर आईडी कार्ड की भी इसने डिटेल ले ली है, और डिटेल लेने के बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं आप वेरिफिकेशन जो है इसमें सबमिटेड दिखा रहा है क्योंकि हमने पहले ही ये कर लिया है। तो जिन्होंने नहीं किया है उनका केवल नॉट सबमिटेड दिखाएगा, और आप ये देख सकते हैं इसमें पूरी डिटेल दिखा देता है, और उसके बाद हमने व्यू डिटेल पर क्लिक कर लेना है। व्यू डिटेल पर जब हम क्लिक कर लेते हैं दोस्तों तो हमारी डिटेल इस तरह से पूरी इसमें ये दिखा देता है, इसमें पूरी डिटेल हमारी दिखाएगा, फ़ोटो भी दिखाएगा, एड्रेस भी दिखाएगा, और हमने पहले इसमें करेक्शन किया है तो जो रेफरेंस नंबर है पहले का वो भी दिखा रहा है। और इस तरह से दोस्तों आपका ये दिखा सकते हैं आप, इसमें से जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो हो रही है इसमें करेक्शन आप कर सकते हैं, या इसमें अगर आपका करेक्ट है तो आपने उस पर क्लिक कर लेना है कि आपकी डिटेल पूरी करेक्ट है। दो ऑप्शन इसमें दिखाता है कि आपकी जो है इसमें करेक्शन आपका वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन चाहिए, या आपकी जो डिटेल है वो पूरी करेक्ट है। तो दोस्तों आपने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले अब नीड करेक्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाता है, नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाने के बाद उसमें आपने
क्लिक कर लेना है और अपनी जो भी डिटेल अपनी आपकी गलत है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको 8 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, आप अपना उसमें फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, आप अपनी डिटेल वगैरह पूरी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने उसमें पूरी डिटेल चेंज करनी है और फाइनल सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना वोटर आईडी कार्ड में चेंज कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।